are watching BNS News. वेलकम टू टुडे स्क्रिप्ट न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। कार्डानो चेंज अपग्रेड लॉन्च डेट कंफर्म्ड एज बाइनेंस कंफर्म्ड सपोर्ट। चीनी ब्लॉकचेन और साउथ कोरिया के गूगल ने पार्टनर किया क्रिप्टो वॉलेट। बाइनेंस पे और बैंकिंग सर्कल पार्टनर किया यूरिस स्टेबल कॉइन्स इंटीग्रेट करने के लिए। वजीरएक्स ने $12 million साइड में रखे स्टोलन क्रिप्टो रिकवर करने के लिए लीगल कॉस्ट पे करने के लिए। ETH रीस्टेकिंग सर्ज ड्राइव हुई एनुअल स्टेकिंग रेट्स में कमी के कारण P2P.org। शिबा इनू बर्न रेट में 28145% की स्पाइक। कॉइनबेस यूजर 154 दिन बाद जागा और 96 मिलियन शिप जलाए। नाइजीरियन SSC ने इंडस्ट्री को क्रैकडाउन के बाद पहले क्रिप्टो एक्सचेंज लाइसेंसेस इशू की। $12.1 million फ्रॉड सस्पेक्ट नए चेहरे के साथ अरेस्ट। क्रिप्टो स्कैम्स बॉयलर रूम्स बस्टेड। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने XRP को एक केस स्टडी के रूप में हाईलाइट किया अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इन्फोसिस चेयरमैन ने डिस्कस किया कैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पैरागॉन बिटकॉइंस माइनिंग इंडस्ट्री 400 से कम जॉब्स प्रोवाइड करती है। हेड्रा नेटवर्क ने 60 बिलियन मेनेट ट्रांजेक्शन्स को सरपास किया। लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने अनाउंस किया है कि वो कार्डानो की अपकमिंग हार्ड फोर्क को सपोर्ट करेगा। आज के ब्लॉग अनाउंसमेंट में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने कहा कि वो अपना रोल प्ले करेगा ये इंश्योर करने के लिए कार्डानो चेन अपग्रेड के थ्रू कॉनवे एरा में एक स्मूथ ट्रांजिशन देख सके। साउथ कोरियन टेक कॉन्ग्लोमेरेट नेवेर अपना पहला क्रिप्टो वॉलेट नावेर पे वॉलेट लॉन्च कर रहा है चिलीज के साथ पार्टनरशिप में, जो एक एक्सपोर्ट फोकस ब्लॉकचेन है। चिलीज एक लेयर वन ब्लॉकचेन जो फैन टोकन्स को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है। ने 29 अगस्त के एक एक्स पोस्ट में बताया कि उसको वॉलेट के लिए इनॉगरल ब्लॉकचेन के रूप में चुना गया, जो 33 मिलियन से ज्यादा नावेर यूजर्स के लिए अवेलेबल है। 28 अगस्त 2024 को बाइनेंस पहले डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बन गया यूरी के सपोर्ट करेगा, और जो बैंकिंग सर्कल्स का इनॉग्रल ई मनी टोकन्स और मार्केट्स की इनक्रिप्टो एसेट रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करता है। वजीरएक्स ने साइबर अटैक के बाद, जिसमें जुलाई में इंडियन एक्सचेंज को गिराया गया था, चोरी हुए क्रिप्टो को रिकवर करने और लीगल कॉस्ट कवर करने के लिए $1 million साइड में रखे। इथेरियम रीस्टेकिंग में सर्ज कई फैक्टर्स के कारण ड्राइव हुई है, जिसमें एनुअल परसेंटेज रेट्स की कमी भी शामिल है। यह सब नॉन कस्टोडियल स्टेकिंग सर्विस प्रोवाइडर P2P.org के अनुसार है। एक चौंकाने वाले डेवलपमेंट में एक अननोन वॉलेट ने एक ट्रांजेक्शन में 96.08 मिलियन शिप बर्न किए, जैसे कि हमेशा होता है। शिबा इनू यूनिटी कम्युनिटी ड्रिवन बर्न ट्रैकर शिप बर्न ने आज एक्सपोज में माध्यम से इस लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पर ध्यान दिलाया। नाइजीरियन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अपने पहले लाइसेंसेस लोकल क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इशू करने का, ताकि वो देश के अंदर ऑपरेट कर सके, भले ही गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच कंटिन्यूस रिलेशंस रहे हो। साउथ कोरियन पुलिस ने 14 लोगों को अप्रिहेंडेड किया जो एक फ्रॉडलैंड क्रिप्टो माइनिंग स्कीम में शामिल थे, जिसमें 16 बिलियन कोरियन वॉन का प्रॉफिट कमाया गया। ये रिपोर्ट ने 29 अगस्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस को साइट किया है। That's all for the today's crypto news, and stay tuned for more updates.